गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। यह है नेचर स्वर का जोक तेल ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा है। लीच ऑयल है ये, 110 ml का है। और आज मैं आप सबके साथ हेयर ऑयलिंग का शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से ओवरनाइट मतलब रात में एक दिन पहले, जब अगर मुझे कल सुबह हेयर वॉश करना है तो आज रात में मैं सोने से पहले मैं किस तरीके से अपने बालों की केयर करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम आजकल सबको चल रहा है, कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत कुछ है, अगर आप ट्राई करके देखो तो। ये है डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है ये ऑयल, जो तेल नेचर सर का है लीच ऑयल। यहाँ पे देख सकते हैं 110 ml है ये और 239 का ही ये प्राइस, बहुत ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल प्राइस है। हमारे अगर बाल सही हो जाए तो सही है। और इसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सोने से पहले एक दिन मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कैसी किस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हम सोने से पहले इस बाल को रात में लगा लेंगे ये ऑयल, उसके बाद आप देख सकते हैं रूट्स ऑफ योर हेयर एंड क्लैप मसाज जेंटली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट आप फिंगर टिप से आपको मसाज करना है, किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूंगी। और फिर सुबह आके आपको बालों को अपने अच्छे से वॉश कर लेना और देखिएगा आपका हेयर जो है ना, आपको मतलब कि फर्स्ट वॉश में ही थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और कोई भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पहले आप खुद थोड़ा सा यूज़ करके 24 देख ले, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को सेट नहीं होता है, किसी के एलर्जी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इस ऑयल को आपको यूज़ करके दिखाती हूँ किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है नेचर स्वर का जोक तेल ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत बार यूज़ किया है। बट अभी मैं आप सबके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबको ही पता होना चाहिए, बहुत लोग हेयर के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो अभी वही बस नाइट का ही टाइम है, तो मैं अभी ये जो ऑयल है इसको यूज़ कर लूँगी अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई करके। 15 मिनट कम से कम अपने फिंगर से इसको अच्छे से मसाज टाइप का करेंगे फिंगर टिप से, और उसके बाद हमारे कल सुबह मैं बाल धो लूंगी। तो चलिए फिलहाल मैं आपको हेयर ऑयलिंग करके दिखाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी किसी भी रीजन से पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ही फ्री है मेरे चैनल पे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो तेल है इसके अंदर जो ये है ना, इसकी वजह से लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इसे कहीं लेके भी जा सकते हैं ईजिली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ऑयल का कलर दिखा देती हूँ। माई गॉड कैसे दिखाऊँ, ये देखिए। तो देखिए ये आपको क्या करना है ना, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना किसी बॉल में इसको रख लें, और रखने के बाद आप इसे अच्छे से फिंगर से इस तरीके से देखिए ये ऐसे कर लेंगे और ये ऐसे से मसाज करेंगे। बहुत अच्छा ऑयल है, मैं यूज़ करती हूँ कुछ भी तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वरना नहीं शेयर करती। और मुझे कल सुबह ना हेयर मतलब वो करना है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये देखिए ये ऐसे ऐसे करके इसको करना है। तो चलिए ये तो हो गया, मैं कर लूँगी क्योंकि 15 मिनट तो इतना बड़ा वीडियो नहीं कर सकते हैं ना। तो गाइस प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका परचेसिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप सबको मैं लगा के भी दिखा रही हूँ तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। बट आप मैं तो मतलब ऐसे हाथ में रख के फिर ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, लेकिन आप लोग बॉल में डाल दीजिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा, कटोरी में डाल के लगाइए क्योंकि ऑयल वेस्ट हो तो अच्छा नहीं है ना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे 15 मिनट टाइम लग जाएगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर। ऐसे आप लोगों के साथ में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो चलिए बाय बाय।